हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। जो भी बच्चे CCC अक्टूबर और नवंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सीरीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इस सीरीज में रेगुलर क्लास में आप रात को 10 बजे जुड़िए इसमें, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज क्लास में हम मैराथन क्लास कराने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसमें आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, आपको कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आप इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी मदद की जाएगी इसमें। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाना है। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऐड कर दिया है, जो कि CCC अक्टूबर नवंबर एग्जाम 2023 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे ही प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली सारी क्लासेज आप सभी को उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सभी क्लासेज को आप सब जरूर देखना है एग्जाम से पहले। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाना है आप सभी बच्चों को, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाना है, जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। आप सभी बच्चों को जुड़ जाना है, जल्दी जुड़िए। रेगुलर क्लास हमारी रात को 10 बजे होती है। इसमें रेगुलर क्लास रात को 10 बजे आप सभी जरूर ज्वाइन होइए। क्लास आप सभी लाइव क्लास में अगर जुड़ेंगे तो प्रैक्टिस क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, और प्रैक्टिस क्लास प्रैक्टिस करने में भी आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी लाइव चैट चलता रहेगा, साथ साथ में हमारे साथ में आप सभी भी इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाना है, जल्दी क्लास में जुड़ जाए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए ऐसा करते हैं, आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू ब्रेक लाइन विदाउट चेंजिंग पैराग्राफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। जो भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ गए हैं, आप सभी बच्चे लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। जो भी बच्चे इस क्लास को बाद में देख रहे हैं, आप सभी बच्चे सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। निम्नलिखित में से बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, बताना आप सभी बच्चों को, बताइए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस एंटर। जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू शो द स्लाइड। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, F5। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से यूपी में PHP में S का क्या मतलब होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आप सभी बच्चे, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टैंड फॉर एस इन PHP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ UPI। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सर्विस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से बुलियन डेटा सेल में किस प्रकार के वैल्यूज की अनुमति होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर अलाउड इन अ बुलियन डाटा सेल। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर,
ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन ने ऑप्शन नंबर सी बताया, इनका बिल्कुल सही। और फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ए नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच एवरी पॉसिबल नोड हैज बी डायरेक्शनल लिंक्स। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे इस क्लास में ज्वाइन होकर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए हेल्पफुल उन सभी के लिए हो जाए स्टूडेंट। और आप सभी को क्लास के एंड तक बन रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन बताना है आप सभी बच्चों को। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मैथ। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ डेजी व्हील। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इंपैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इजिएस्ट मोड ऑफ कॉम्युनिकेशन। तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ईमेल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक्सटर्नल ब्लॉक्स का उपयोग नहीं होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड बाय एक्सटर्नल ब्लॉक्स। तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल इंफॉर्मेशन स्लाइड को दिखाने के लिए। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट एंड करने के लिए की स्वरूप कुंजी का जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की यूज टू एड अ कमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो बताना आप सभी बच्चों को स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कोशिकाओं A1, A2, A3, A4 और A5 की सामग्री क्रमश 5, 4, 3, 2 और 5 है, तो सेल A6 में प्रदर्शित परिणाम क्या होगा। यदि 6.4.32 एंड 5 है, तो सेल F6 में काउंट फंक्शन को इज इक्वल टू काउंट इफ A1 इज टू F5 1 के रूप में लिखा जाता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी बच्चे, ओनली 1 मिनट का आप सभी को समय दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का आपको राइट ऑप्शन बताना है। बताइए इस ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 5। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से कंप्यूटर को अन्य सभी कंप्यूटर से जोड़ता है। Which of the following is a central computer that connects main computer to all other computers? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सर्वर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। और प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से मोबाइल मनी आईडेंटिफायर MMID एक बेस अंक की संख्या है। बताना आप बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 7। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से आंतरिक ब्लॉक का उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ एन इंटरनल ब्लॉक। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ एन इंटरनल ब्लॉक्स।
तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक एक्सेस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर अगर बी बताया तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से उन तीन विकल्पों को नाम दे जो इंसर्ट टैब के लिए मीडिया मेनू में उपलब्ध होते हैं। तो नेम द थ्री ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन द मीडिया मेनू ऑफ द इंसर्ट टैब। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, गैलरी फोटो एल्बम एस्केट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 15, निम्नलिखित में से स्वचालित रूप से सेलों के रेंज को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑटोमेटिकली एड अ रेंज ऑफ सेल्स। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एटोसम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, आधार नंबर वाला प्रथम रुपए एटीएम कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था। विच बैंक लॉन्च द फर्स्ट रुपए एटीएम कार्ड विद आधार नंबर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सटा। बताना थी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क के लिए नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी यूज फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ द ऑप्शन। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों से जुड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली वेबसाइटों को क्या कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेबसाइट्स यूज्ड टू कनेक्ट विद आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बेस करेक्ट आंसर, सोशल नेटवर्किंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना करने के लिए किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लिब्रे ऑफिस राइटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से फंक्शन कुंजी विंडोज 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू लॉन्च ऑप्शन इन विंडोज 10। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, F8। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट से बाहर निकालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू एग्जिट ए डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस। जल्दी बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस W। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है। तो आप सभी बच्चों को बताना है, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम में। जल्दी से आप सभी बच्चों को कर लेना है, जल्दी से कीजिए और बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत होता है, बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जिस प्रश्न ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर, बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस ओएस को प्रथम ओएस कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओएस इज कॉल्ड द फर्स्ट ओएस, बताया सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से यूएसएसडी में किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन यूएसएसडी? बताना सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या। करेक्ट आंसर एम पिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से स्लाइड शो के दौरान स्लाइड के विभिन्न तत्वों का स्टाइल तथा साउंड के साथ प्रकट होना कहलाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द appearance of various elements of a slide with a style and sound during a slide show? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर एनिमेशन इफेक्ट। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस स्लाइड के कंटेंट प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल किए जाते हैं? द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग स्लाइड इज इंक्लूडेड इन ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर मास्टर स्लाइड। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से लिंक्डइन किस लिए यूज की जाती है? तो लिंक्डइन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर जॉब एंड बिजनेस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से पॉकेट किस बैंक ने स्टार्ट किया था? विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक स्टार्टेड पॉकेट? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ICICI बैंक ने इसको लॉन्च किया था इसमें, ठीक है, मतलब स्टार्ट किया था। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से छोटे से बड़े की ओर डाटा को सॉर्ट करने के लिए डाटा टाइप की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड्स ऑफ द डाटा टाइप इज यूज्ड टू सॉर्ट द डाटा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर सॉर्ट असेंडिंग। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू राइट द कोड ऑफ ए वेब पेजेस? बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर हाइपर मार्क लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसका क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। डेटा उपयोगी जानकारी को सर्च करने के लिए डेटा के बड़े सेट को एकत्रित करने, बेसिक करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या होती है इसमें? आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर बिग डेटा एनालिटिक्स। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से फॉर्मेटिंग मास्क की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बताइए आप सभी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर फॉर्मेटिंग मास्क? बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर Ctrl+F10। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को क्या स्टोर किया जाता है? वेयर इन द फ्लोइंग इज द डाटा स्टोर इन क्लाउड कंप्यूटिंग? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर सर्वर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है? बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज करेक्ट आंसर एडोब रीडर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लॉट का प्रयोग किया जाता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज लॉट इज यूज्ड? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के लिए किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर ऑफ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट इज कॉल्ड? तो तनाव सी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। दिस इज करेक्ट आंसर सेल रेफरेंस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। हम इंप्रेस से प्रीलोडेड टेम्पलेट हटा सकते हैं। वी कैन रिमूव प्रीलोडेड टेम्पलेट्स फ्रॉम इंप्रेस। बताना सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा।
जो इस क्वेश्चन पे जो राइट ऑप्शन होगा आपका ट्रू हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया है वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, यूआरएन में डोमेन नाम प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है। द डोमेन नेम इन द यूआरएन रिफर्स टू द प्रोटोकॉल। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका फॉल्स हो जाएगा। जिस बच्चे ने फॉल्स बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। मॉडेम आपके कंप्यूटर का सहायक उपकरण है जो आपको टेलीफोन लाइन के माध्यम से अन्य कंप्यूटर से जुड़ने और संपर्क बनाने की अनुमति देता है। और मॉडेम इज नेसेसरी टू योर कंप्यूटर दैट अलाउज यू टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर थ्रू ए टेलीफोन लाइन। तो बताना उसी बच्चे को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए आपके बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट ऑप्शन है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी है ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। यूएसबी में डिवाइस एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। यूएसबी डिवाइस कैन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताना आप सभी बच्चों को बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। यूपीआई की स्थापना एनपीसीआई के द्वारा की गई थी। यूपीआई वाज इस्टेब्लिश बाय एनपीसीआई। बताना सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया सही जवाब है अगला प्रश्न। और खोजी गई फाइलों का एक अस्थायी फाइल में रखा जाता है। सर्च फाइल्स आर प्लेस्ड इन अ टेम्पररी फाइल। तो बताना सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45। रुपे क्लासिक कार्ड के साथ रुपए 5 लाख तक के व्यापक बीमा कवर का लाभ मिलता है। द रुपे क्लासिक कार्ड कम विद द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख। तो बताना सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें आज क्लास आप सभी को कैसा लगा। 45 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास में आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फिर से कोई भी अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता पड़ती है इसमें तो आप सभी के क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां डायरेक्टली आप टेलीग्राम से ज्वाइन होइए और ज्वाइन होने के बाद आप सभी वहां पे सभी पीडीएफ आप सभी को मिलेगा जो कि आप पीडीएफ से भी तैयारी कर सकते हैं ट्रिपल सी एग्जाम्स का, ठीक है। और आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे अपना मैसेज कर सकते हैं जो कि आपको पूरी मदद की जाएगी। इसमें आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।